बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूवर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। और यकीनन आप इस विंटर सीजन को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। सो अल्लाह आपको खुशियाँ दे, हमेशा आप लोग होशो हुरम रहें। सो टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट अ वेरी क्रूशल एंड वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक, शिकवा एंड जवाबे शिकवा। एज वी नो दैट रिसेंटली पाकिस्तानी लिटरेचर एंड साउथ इंडियन लिटरेचर एंड लॉट ऑफ अदर लिटरेचर हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो इंग्लिश लिटरेचर में अब बहुत सी जो है वो टर्म्स आ चुकी हैं। वर्ल्ड लिटरेचर भी आ चुका है, साउथ इंडियन लिटरेचर, उसमें पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर भी ऐड हो चुका है। तो पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर में जो हमारा सब्जेक्ट है बीएस इंग्लिश में, उसमें आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे शिकवा एंड जवाब शिकवा, विच इज रिटन बाय मोहम्मद इकबाल। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हमारे नेशनल पोएट जो हैं, उन्होंने इसको लिखा है। And one of the famous work of Iqbal in Urdu language. So Urdu language में ये बहुत ही famous work उनका माना जाता है। वैसे तो उनकी ज़्यादातर poetry जो है वो होती है Persian में, लेकिन ये उनका work जो है वो basically Urdu में लिखा गया था और बहुत ही influential work है, बहुत ही inspiring है। मुसलमानों के हालात के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है, मुसलमानों का माजी क्या था इसके बारे में बताया गया है। और ये ऐसा वर्क है कि दुनिया भर में इसको बहुत ज़्यादा सराहा गया, इसको बहुत ज़्यादा फेम मिली, ठीक है। ना कि उस दौर में बल्कि आज के दौर में भी इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। बेस्ट बुक सेलिंग जो है वो बन गई थी ये एक दौर में, इवन आज भी जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई। तो जो शिकवा और जवाब शिकवा है वो बेसिकली मुस्लिम प्राइड है, मुसलमानों के हालात के बारे में इसमें बताया गया है और बेसिकली जो मुसलमानों का क्या अरूज था, ठीक है, उनमें उन पे डिक्लाइन जो है वो किस तरह से आया, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें बताई गई हैं। सो हम इंशाल्लाह आज इसका जो है वो इंट्रोडक्शन, इसकी बैकग्राउंड, इस पे क्या क्या कंट्रोवर्सीज थी उनको भी डिस्कस करेंगे, पोएट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो काफ़ी जो है वो आप कह लें कि काफ़ी तो नहीं, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो आज की, लेकिन आप जो है वो मेरे साथ बने रहिए, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। तो मुझे ये भी जो है वो पता है कि शायद इंग्लिश में जो है वो इसको ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन अभी तक इंग्लिश में किसी भी जो है वो चैनल पे या किसी भी जगह पे इसको प्रेजेंट नहीं किया गया। सो मैंने एफर्ट की है और मैं चाहता हूं कि मैं इंशाल्लाह आप अपने सब व्यूवर्स को और अपने सब सब्सक्राइबर को इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताऊं, ठीक है। तो चूंकि ये जो है वो हिस्सा बन चुका है अब बीएस इंग्लिश का, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये चीज़, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अच्छी समझ आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो मोहम्मद इकबाल वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल पोइट एंड फिलोसोफर एंड बॉर्न इन पंजाब। तो हज़रत इल्लामा इकबाल पंजाब के शहर सियालकोट में पैदा हुए, बहुत ही कह लें कि बा असर शख्सियत माने जाते थे, बहुत बड़े फिलोसोफर थे, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी जो थी वो उनकी बहुत ही टॉप पे थी, ठीक है। एक कह लें कि मोमिन मुसलमान, उनको कलंदर भी कहा जाता है, और बहुत ही कह लें कि उनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत ऊंचा मुकाम है बेसिकली रिलीजियस लिटरेचर में भी, पाकिस्तानी लिटरेचर में भी, और दुनिया भर में उनको बहुत ज्यादा सराहा जाता है। He received his early education and went to study philosophy in England. उन्होंने सबसे पहले तो अपनी जो अर्ली एजुकेशन थी वो अपने ही जो है वो रीजन में, अपने ही सूबे में हासिल की, और उसके बाद जो है वो इंग्लैंड चले गए और जर्मनी गए, ठीक है। बट रिटर्न टू इंडिया 3 years later, लेकिन उसके तीन साल बाद ही वो अपने वतन बरसगीर में सब कॉन्टिनेंट में वापिस आ गए थे, और फिर उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। ऑल्दो ही नोटेड दैट यूरोपियन सिविलाइजेशन, उन्होंने यूरोपियन सिविलाइजेशन को भी बहुत करीब से देखा, ठीक है, क्योंकि वो यूरोप में भी रहे थे, वॉज मटीरियली एडवांस्ड। तो उन्होंने देखा कि ये लोग जो है वो कितनी मटीरियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं और मुसलमानों से कितनी ज्यादा ये आगे निकल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ही फाउंड आल्सो इट हिपोक्रिटिकल एंड लैकिंग इन सपोर्ट ऑफ ट्रू ह्यूमन। तो उन्होंने ये भी देखा कि उनमें कौन कौन से मुनाफकाना काम हैं और ये सारी चीजें
क्या उनमें ह्यूमैनिटी जो है वो कहाँ पे लैग करती है, ठीक है, ये भी सारी चीजें देखी उन्होंने, ठीक है, और उनकी वैल्यूज को भी अच्छे तरह से जाना। फिर उन्होंने इस्लाम का भी बहुत अच्छे से जायजा लिया और उन्होंने पाया कि इस्लाम ही एक सच्चा दीन है, इस्लाम ही हमें ह्यूमैनिटी का दर्स देता है, और मतलब रिलीजन के तो वो बहुत ज्यादा करीब थे। इस्लाम ऑन द अदर हैंड दो समोलेंट वॉज एट वंस बोथ ट्रूली क्रिएटिव एंड एबल टू गिव ह्यूमैनिटी मॉरल डायरेक्शन। तो उन्होंने पाया कि इस्लाम जो है वो किस तरह से मॉरल्स का, एथिक्स का और इन सारी चीजों का दर्स देता है, किस तरह से ह्यूमैनिटी को इसने बेहतर बनाया है। इट वॉज दिस ट्रू इस्लाम ऑफ मुहम्मद एंड द कुरान। तो यही सच्चा इस्लाम था जो जिस जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम था और कुरान का, जिसमें कह लें कि कुरान की बातें होती थी, कुरान का दर्स दिया जाता था, और कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दो जो है ना, इन दोनों से मोहम्मद इलामा इकबाल जो हैं वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हमें नजर आते हैं। और उनकी जो पोइट्री है उसमें भी वो हमेशा मुसलमानों की रिकवरी की बात कर रहे हैं, उनकी खुदी की बात करते हैं, उनके डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, उनके फेथ को जगाने की बात करते हैं, ठीक है, उनको उनका माजी याद दिलाने की जो है वो बात करते हुए हमें नजर आते हैं। खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल पोइट्री, बहुत ज्यादा जो है वो इन्फ्लुएंशियल पोइट्री करते हैं। और आपको पता है कि शिकवा, जवाबे शिकवा का जो लास्ट शेर है, कहने के पूरा जो रस है उसमें निचोड़ दिया है इकबाल ने इस पूरे शिकवा और जवाबे शिकवा का, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। दिस इज द लास्ट वर्स ऑफ जवाबे शिकवा, ठीक है। अब शिकवा और जवाबे शिकवा क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो शिकवा जो है वो बेसिकली एक कंप्लेंट है, ठीक है, अल्लाह ताला की जात से इकबाल जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं। वो कंप्लेन क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या थी, वो तो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब इसके मेन आइडिया को डिस्कस करेंगे, तो इसकी बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, तब मैं जो है वो बताऊंगा आप लोगों को ये कंप्लेन जो है वो इकबाल क्यों करते हैं, एंड जवाब शिकवा रिस्पॉन्स टू द कंप्लेन। तो जवाब शिकवा जो उन्होंने लिखा ये उसी का सीक्वल था शिकवा का, ठीक है, और ये उस कंप्लेन का जवाब था। ये बेसिकली जो जवाब था वो उन्होंने अल्लाह की तरफ से दिया। अच्छा, आर पोइम्स रिटन बाय इकबाल इन उर्दू लैंग्वेज विच वर लेटर पब्लिश्ड इन हिज बुक कुलियाते इकबाल। तो उनकी ये जो बुक्स थी वो, उनकी जो कुलियाते इकबाल एक बुक आई थी, उन दोनों में, उस बुक में ये शिकवा और जवाब शिकवा जो है वो पब्लिश किया गया, लेकिन बाद में जो है वो एक अलग से भी इन पे जो है वो इतने ज्यादा ये फेमस हो गई कि इन पे अलग से भी जो है वो एक बुक शाया जो है वो की, बल्कि इसको अलग ही अब पार्ट बना दिया गया है। कुलियात इकबाल में तो ये है, उसका तो पार्ट है, लेकिन अलग से भी शिकवा और जवाब शिकवा बुक जो है वो उर्दू लैंग्वेज में छप गई हुई है। द पोइम्स आर ऑफन नोटेड फॉर देयर म्यूजिकैलिटी। तो म्यूजिकैलिटी इसमें बहुत जो है वो जबरदस्त है, काफिया रदीफ, ठीक है, ये बहुत अच्छे से जो है वो यूज किया गया है, और एक साउंड जो है वो इसमें आता है। आपने देखा होगा कि इसमें इसको जो है वो बहुत से हमारे जो सिंगर हैं, ठीक है, जो ये मतलब कवालियां बोलते हैं, और बड़े बड़े फेमस जो हमारे लोग हैं इंडस्ट्री के, उन्होंने इसको जो है वो कह लें कि इसको गाया भी हुआ है, शिकवा और जवाब शिकवा को, ठीक है। और उसके बाद पोएटिकल ब्यूटी एंड डेप्थ एंड थॉट्स, तो इसमें आपको पोएटिकल ब्यूटी भी मिलती है, म्यूजिकैलिटी एलिमेंट भी मिलता है, ये गाया भी बहुत जाता है, ठीक है, हर तकरीब में, ठीक है, हर जगह पे इसको जो है वो गाया जाता है। सो इसमें हमें थॉट्स भी मिलते हैं और बड़े बड़े आइडियाज भी मिलते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि दुनिया में शायद ही मैंने कोई ऐसा वर्क पढ़ा हो जिसकी जिसको मैंने इतना सराहा हो जितना शिकवा और जवाब शिकवा को सराहा है मैंने, ठीक है। तो खैर देखते हैं, तो ये जो पब्लिश, इनकी जो पब्लिकेशन हुई, शिकवा जो था वो 1909 में पब्लिश किया गया, ठीक है, और इकबाल ने पहली दफा इसे रिसाइट किया था अप्रैल 1909 में, एक कह लें कि अंजुमन हमायते इस्लाम, ये एक जो है वो जलसा हो रहा था, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो, एक जो है वो गैदरिंग थी, वहां पे इसको जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो इकबाल ने खुद इसको रिसाइट किया था लाहौर में, ठीक
ठीक है। और जवाबे शिकवा जो है वो बेसिकली इसके 4 साल के बाद जो है वो लिखी गई थी, और उनकी भी लिखने की जो है वो एक वजह थी कि इकबाल पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया गया कि हैर अल्लाह की जो ब्लेसिंग है, अल्लाह ने जो हमें सांसें दी हैं, इकबाल ने जो उनका जो है वो मान भी नहीं रखा। तो इकबाल ने जो है वो अल्लाह से ही कंप्लेन कर दी है, अल्लाह से शिकवा कर दी है। सो बहुत से इल्जाम लगे कि इन्होंने जो है वो कुफर किया है, शिर्क किया है, ठीक है, अल्लाह की जात में भी, अल्लाह की सिफात में भी, ठीक है, और अल्लाह के कामों में भी इन्होंने शिर्क जो है वो किया है। सो इसकी वजह से बहुत से लोग जो है वो उन्होंने जो है वो फतवे भी इस पे जारी हुए, बहुत से जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे उन्होंने भी बहुत ज्यादा कंडेम किया, ठीक है। लेकिन इकबाल तो समझते थे ना कि ये मैंने क्यों लिखा है, ठीक है, बेसिकली इसका जो हिडन मीनिंग है वो लोग उस वक्त में समझ नहीं पाए थे, ठीक है। लेकिन बाद में जब जवाब शिकवा आया तो उनको सारी चीजें जो है वो मिल गई कि जवाब शिकवा में, हाँ शिकवा में इकबाल ने ये कहा था और ये उसका बेसिकली जवाब आया है। तो फिर लोग जो है वो ठंडे हो गए, ठीक है। इकबाल के जो चाहने वाले थे वो ही, उन्होंने ही इकबाल को फोर्स किया कि आप इसके सीक्वल में भी, इसके मुकाबले में भी कोई बुक लिखें, ठीक है। तो फिर हजरत इलामा इकबाल ने जो है वो फैसला किया था जवाब शिकवा लिखने का। तो जवाब शिकवा जो है वो 1913 में जो है वो पब्लिश की गई, ठीक है, और इसको जो है वो एक कह लें कि पॉलिटिकल रैली में पढ़ा गया था, ठीक है, जो लाहौर में मोची गेट में रखी गई थी, वहां पे इसको पढ़ा गया था, ठीक है। तो खैर इसके बाद जो है वो लोगों को समझ आ गई थी कि खैर जो शिकवा लिखा था इकबाल ने उसका क्या मतलब था, और अब ये जो जवाब शिकवा आया है इसका क्या मतलब है। तो ये तो थी इनकी पब्लिकेशंस के हवाले से बातें। अब इसके मेन आइडिया की तरफ आते हैं कि इकबाल असल में कहना क्या चाहते हैं। एज वी नो दैट इकबाल ऑलवेज ग्लोरीफाइड द लेगेसी ऑफ इस्लाम, हमें पता है कि इकबाल ने हमेशा इस्लाम की जो लेगेसी है, इस्लाम की जो विरासत है, इसकी सिविलाइजेशन को, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, इसकी हिस्ट्री को बहुत ज्यादा जो है वो सराहा है, ठीक है। इसकी अजमत पे इकबाल ने बेतहाशा जो है वो काम किया है, और हमेशा हमें वो जो ये मुसलमान है उनकी किस्मत पे आंसू बहाते हुए नजर आते हैं कि मुसलमानों तुम लोग क्या बन गए हो यार, ठीक है, अल्लाह ने तुम्हें ऐसे तो नहीं था बनाया, ठीक है, अल्लाह ने तो तुम्हें वो रुतबा दिया था, वो जो है वो कह लें कि वो मुकाम दिया था, लेकिन तुम जो है वो रुस्वा हो गए इस दुनिया में, ठीक है, जब से तुमने अल्लाह को छोड़ दिया, जब से तुमने अपने दीन को छोड़ दिया, जब से तुम्हारा ईमान कमजोर हो गया और तुम यूरोप के पीछे जाना शुरू हो गए, ठीक है। सो इससे एक बड़ी अच्छी जो है वो मुझे याद आ जाती है बात, वो शायद इकबाल का ही शेर है कि मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे, जैसे सूरज मगरिब की तरफ जाता है तो डूब जाता है। सो बड़ा अच्छा शेर, ये पता नहीं, अब मुझे इसका पता नहीं है इसके इनके राइटर जो है वो इस शेर के कौन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इकबाल का है। अच्छा तो देखें कि उन्होंने किस तरह से जो है वो डूबते हुए मुसलमानों का जो है वो उनकी तरफ इशारा किया है, और उनकी हुदी पे हमेशा जो है ये बात करते हैं। अब हुदी जो है वो क्या है वो तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे जो है वो डिस्कस नहीं करूंगा कि इकबाल किस चीज को हुदी का नाम देते हैं, ठीक है, इसके बहुत से मीनिंग निकल के आते हैं, इसमें फेथ भी आ जाता है, इसमें कह लें कि हमारा डिटर्मिनेशन भी आ जाता है, ठीक है, इसमें जो बाकी और जिंदगी के मामलात हैं, स्पिरिचुअलिटी आ जाती है, रूहानियत, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। सो इसमें हमारी जो है वो ख्वाहिशात आ जाती हैं, हमारी पावर आ जाती है, हमारा करीज आ जाता है, ये सारी चीजें जो है वो खुदी में इकबाल ने समो के रख दी हैं। तो वो हमेशा जो है वो मुसलमानों की जो हालत है उस पे हमें जो है वो आंसू बहाते हुए नजर आते हैं, ठीक है, कि मुसलमान क्या हुआ करते थे। अगर हम देखें सहाबा कराम का दौर, अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देखें, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का दौरे हुकूमत देखें, ठीक है, और थ्रू आउट मुसलमानों की हिस्ट्री देखें, तो हम एक से एक भड़के जो है वो इस्लाम का जो है वो मुजाहिद पाते हैं हर किसी को, ठीक है, मतलब अल्लाह के लिए बहुत काम किए और अल्लाह ने भी बहुत करम रखा, अल्लाह ने बदले में हुकूमत आधी दुनिया की हुकूमत दे दी, ठीक है। और मुसलमान जब आप इर्तगरुल गाजी जो है वो आजकल ड्रामा चल रहा है तो उसमें बड़ी अच्छे से हिस्ट्री को जो है वो दिखाया गया है। सो जो स्टूडेंट्स वो देख रहे हैं उनको यकीनन पता होगा कि किस तरह से मुसलमानों का जो है वो अरूज था और मुसलमान जो है वो आधी दुनिया पर हुकूमत करते थे, ठीक है। लेकिन जब 1857 की जंगे आजादी हुई उसके बाद जो है वो मुसलमानों का जवाल शुरू हो गया था, ये मैं आगे बैकग्राउंड में भी
डिस्कस करूंगा। खैर कम टू द पॉइंट, तो मैं ज्यादा ही जज्बाती हो गया। खैर कोई बात नहीं, पॉइंट पे आते हैं और इसको खत्म करते हैं। सो वेयर एंड स्क्वायरली कन्फ्रंट द डिलेमास ऑफ इस्लाम इन मॉडर्न टाइम्स। किस तरह से मॉडर्न टाइम में, ठीक है, मतलब मॉडर्न टाइम जो इकबाल का दौर था उसी को मॉडर्न टाइम कहा गया है, और आज के दौर को भी मॉडर्न टाइम ही कहा जाता है। सो हर दौर जो है वो मॉडर्न ही होता है, ठीक है। सो इकबाल जो है वो फिर आंसू बहाते हुए हमें नजर आते हैं, मुसलमानों की परेशानियों को जो है वो शो करते हुए नजर आते हैं, उनपे उनसे पर्दा हटाते हुए हमें इसमें नजर आते हैं। शिकवा इज इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्लेंट टू अल्लाह फॉर हैविंग लेट डाउन मुस्लिम, ठीक है। तो शिकवा जो है वो बेसिकली किया है इकबाल ने कि किस तरह से मुश्किल हालात में अल्लाह ताला की जात ने जो हजरत इंसान है उसके उसका साथ छोड़ दिया, ठीक है। अब ये शिकवा जो है वो कर रहे हैं, वो बेसिकली अपने अंदाज में कर रहे हैं, ठीक है। और जवाब शिकवा जो है वो बेसिकली लिखा गया है अल्लाह ताला की तरफ से ही रिप्लाई, ठीक है। तो इसका सेंट्रल आइडिया जो है उसकी भी बात करते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से ही रिप्लाई किया गया कि ए हजरत इंसान, तुझे अशरफुल महलूकात बनाया था, तुझे तो मैंने हर चीज जो है वो अता कर दी थी, तुम्हें अरूज भी दिया, तुम्हें इज्जतें भी दी, तुम्हें शोहरतें भी दी, तुम्हें हुकूमतें भी दी, तुम्हें दौलत भी दी, ठीक है, तुम्हें फाबिया अला रबी को मातु का जीबान, तुम्हें दुनिया की हर नेमत दे दी, ठीक है, लेकिन तू तो रस्ते से भटक गया, ठीक है, तू तो फहाशी के पीछे जाना शुरू हो गया, तूने तो तबाही हर तरफ जो है वो तबाही जो है वो कर दी, ठीक है। आप मुगलिया दौर को देखें तो मुगलिया दौर यही तो था, किस तरह से तबाही हो रही थी, ठीक है, किस तरह से मुसलमान जो है वो फहाशी की तरफ जा रहे थे, किस तरह से हमने अपने फेथ को कमजोर कर दिया था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भाई, जब आप अल्लाह के रास्ते पे नहीं चलेंगे, ठीक है, जिस मकसद के लिए आप आए हो, ठीक है, आप उसी को छोड़ के किसी और मकसद की तरफ चले जाएं, तो फिर अल्लाह ने भी जो है वो फिर जाहिर सी बात है अल्लाह ने तो फिर आजमाना है, ठीक है। अल्लाह ताला की जात जो है वो कुरान पाक में फरमाती है नबलुअन्नकुम, आई विल टेस्ट यू अगेन एंड अगेन, ठीक है, मैं आपको आजमाऊंगा, तो फिर आजमाइश तो आ ही जाती है, ठीक है। सो ये सारी बातें जो है वो इकबाल हमें शिकवा और जवाब शिकवा में करते हुए नजर आते हैं। सो खैर इसके सेंट्रल आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम शिकवा इज दैट गॉड इज नॉट फुलफिलिंग हिज प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द फॉलोअर्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो शिकवा में इकबाल ने जो है वो लिखा है कि अल्लाह ताला की जात ने जो इंसान के साथ वादा किया था उस वादे को, ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स के साथ जो वादा किया था अल्लाह ने उस वादे को पूरा नहीं किया, ठीक है। और जब मुसलमानों पे मुश्किल घड़ी आई, जब मुसलमानों पे जवाल आया, तो अल्लाह जो है वो खामोश हो गया, ठीक है, अल्लाह ने जो है वो मुसलमानों की तरफ ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? तो वो शिकवा करते हैं कि ऐ अल्लाह, हमने तो तेरे लिए इतने इतने अजीम काम किए, जैसे इसमें ही शेर आता है कि तेरे काबे को जबीनों से सजाया किसने, ठीक है, फिर कैसर और किसरा की बातें आ जाती हैं कि किस तरह से फतह किया, फिर बड़ी बड़ी अजीम जंगें जो हुई उनके उसके जो है वो बातें आ जाती हैं, हजरत बिलाल हबशी का वाकया आ जाता है, ठीक है, कि काबे की छत पे चढ़ के हमने तो अजानें भी दी हैं, ठीक है, और हर तरह से जो है वो लश्कर को तेरे झंडे को जो है वो तेरे नबी के दीन के झंडे को हमने थामे रखा है, बाजू भी कटा लिए, हर चीज कटा ली, सर भी कटवा लिए, ठीक है, और इतने इतने अजीम काम किए ऐ अल्लाह हमने तेरे लिए, और आज हम इस रुसवाई में जो है वो कह लें कि आज हम पे मुश्किल वक्त है। 1857 की जंगे आजादी के बाद बेसिकली मुसलमानों की जो है वो कह लें कि जवाल का टाइम जो था, जो डिक्लाइन था, वो शुरू हो गया था। इससे पहले मुसलमानों ने बहुत कह लें कि आधी दुनिया पे हुकूमत की, ठीक है, ओटमन अम्पायर, सल्तनत उस्मानिया की भी शिकवा और जवाब शिकवा में इकबाल हमें रेफरेंस देते हुए नजर आते हैं। उसके बाद स्पेन आज एक कंट्री जाना जाता है, मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की है स्पेन पर, ठीक है, बरसगीर में मुसलमानों ने कितनी हुकूमत की, ठीक है, इससे पीछे का दौर देख लिया जाए सहाबा कराम का, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा का दौर देख लिया जाए, हजरत अली का दौर देख लिया जाए, उस हजरत उस्मान का, हजरत अबू बकर का, तो यार देखें कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया, ठीक है। तो उन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हर वो काम किया जो वो कर सकते थे। तो आज जो है वो मुसलमानों पे बुरा टाइम आया है, तो इकबाल यही शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं कि
इंसान ने तो अल्लाह के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है, लेकिन आज इंसानों पे मुश्किल वक्त आया है, इन पे जवाल आया है, ठीक है, ये रुसवा हो रहे हैं दुनिया में, ठीक है, इनकी हुकूमत नहीं रही, तो अल्लाह भी जो है वो कुछ नहीं कर रहा। अल्लाह ने तो वादा किया था कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जो है वो हमेशा इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा और ये सारी चीजें, मतलब जो भी है, ठीक है, मैं उनकी आगे डिटेल में नहीं जाऊंगा फर्दर। सो आज जो है वो हम रुसवा हैं दुनिया में, तो अल्लाह जो है वो खामोश बैठा हुआ है, ठीक है। सो वो अपने अंदाज में हमें शिकवा करते हुए नजर आते हैं। इन जवाबे शिकवा गॉड आंसर डायरेक्टली दैट ही हैज नॉट ब्रोकन हिज प्रॉमिस। तो फिर जवाबे शिकवा में अल्लाह ताला की जात जो है वो जवाब देती है कि मैंने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। इंस्टेड इट इज द मुस्लिम हिज फॉलोअर्स हु हैव टर्न अवे फ्रॉम द पाथ। तो ये तो मुसलमान ही है, ठीक है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन से पीछे हट गया है, गलत रास्ते पे चल गया है, इसका ईमान कमजोर हो गया है, इसका यकीन ही नहीं रहा मुझ पे, ठीक है, तो ये तो फहाशी में पड़ गया। तो अब वो अगर गलत रास्ते से हट गया तो इसमें फिर अल्लाह का क्या कसूर है, ठीक है। सो ये बहुत ही प्यारी जो है वो कह लें कि कन्वर्सेशन है, ठीक है, इकबाल की। तो आगे देखते हैं, मेन आइडिया जो है वो बेसिकली वो भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे कंट्रोवर्सीज, कंट्रोवर्सीज जो इस पे जो है ना इल्जाम लगाए गए, एलिगेशंस लगाए गए कि इकबाल ने जो है ये शिकवा लिख के बड़ी ब्लास्फेमी की है, अल्लाह को जो है वो नौजबिल्ला जो है वो जालिम करार दे दिया है, ठीक है, यानी इस तरह की लोग जो है वो फतवे लगाना शुरू हो गए, ठीक है। बहुत से लोगों ने उस दौर में फतवा लगाया कि इकबाल ने तो कुफर कर दिया है, ठीक है, इस तरह के अशार जो है वो लिख के। तो बहुत से जो है वो लोगों ने जो उलमाए कराम थे उनको हत भी लिखे, इकबाल को भी वो हत मिले, तो इकबाल ने खुद भी पढ़े वो हत, तो उलमाए कराम से के पास जो है वो हत जाते थे और वो कुछ अशार जो है वो लिखे होते थे शिकवा और जवाबे शिकवा के, और लोग सवाल करते थे उलमाए कराम से कि क्या ऐसे अशार जब भी आए तो, मतलब ऐसे अशार के साथ किसी को भी पाया जाए, या ऐसे अशार जब भी आए तो क्या ऐसे अशार बोलने से बंदा मुसलमान रहता है या नहीं रहता, तो ये कुफर नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो फिर उलमा कराम ने भी अपनी राय दी कि हाँ ऐसे अशार कहने वाला जो है वो काफिर होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कुफर के फतवे भी इकबाल पे लगे, ठीक है, बहुत से कहने के उन्होंने क्रिटिसिज्म को भी सहा। लेकिन शिकवा और जवाब शिकवा का असल मीनिंग क्या था, ये तो इकबाल ही समझते थे ना, ठीक है। सो बेसिकली उस दौर में लोगों को यही लग रहा था कि इकबाल ने बहुत बड़ा कुफर कर दिया, लेकिन जवाब शिकवा आई जब, तो फिर बहुत से लोग अपना जवाब जो है वो पा चुके थे, उनको पता चल गया था दैट व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस, कि इसका पर्पस क्या था और इकबाल असल में कहना क्या चाहते थे। फिर लोगों को समझ आई जब जवाब शिकवा आई, नहीं तो 4 साल तक इकबाल ने मुसलसल अपनी जो बुक शिकवा लिखी थी उसमें जो है वो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा उनको। अच्छा, फर्स्ट इलामा इकबाल रोट शिकवा पोएम ऑन विच इलामा इकबाल इज क्वेश्चनिंग टू अल्लाह, बट अनफॉर्चुनेटली इकबाल फेस्ड मैनी क्रिटिस टू मैनी क्रिटिसिज्म फॉर द पीपल एंड द रीजन वाई शिकवा रेज्ड अ कंट्रोवर्सीज इज बिकॉज द मेन थीम ऑफ पोएम वॉज कंप्लेंट टू गॉड फॉर मुस्लिम्स डोनफॉल इल ट्रीटमेंट एंड ट्रबल दे आर फेसिंग। तो ये था जी जिसकी वजह से इकबाल को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो सहना पड़ा, ठीक है। बेसिकली इकबाल ने लिखा था मुसलमानों की उस जवाल के बारे में, ठीक है, अल्लाह से शिकवा कर रहे थे और अल्लाह से कह रहे थे कि ए अल्लाह जब मुश्किल घड़ी आई तो तुमने तो हमारा साथ जो है वो छोड़ दिया, तुमने वादा किया था तू अपने वादे से मुकर गया, ठीक है, तो तुमने तो वादा किया था, तो इस अंदाज में शिकवा करते हुए नजर आते हैं अल्लाह से। सो लोगों ने ये समझा कि शायद ये जो है वो अल्लाह को कह लें कि नौजबिल्ला बुरा भला कह रहे हैं, ठीक है, अल्लाह की माफ करने की एबिलिटी को या अल्लाह की जो रहमत है उसको जो है वो ललकार रहे हैं। सो लोगों ने फिर इन पे क्रिटिसाइज करना जो है वो शुरू कर दिया। व्हेन द फर्स्ट ऑफ दीज पोएम्स शिकवा वॉज पब्लिश्ड इट क्रिएटेड कंफ्यूजन अमंग मुस्लिम स्कॉलर्स हु थॉट दैट इकबाल वॉज बींग अनग्रेटफुल फॉर द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। तो बहुत से स्कॉलर्स ने जो है वो ये कंफ्यूजन का वो शिकार हो गए, मुस्लिम भी कंफ्यूजन का शिकार हो गए, और उन्होंने फतवे जारी करने शुरू कर दिए कि अल्लाह ताला की जात को बेसिकली इसने इकबाल ने जो है वो ब्लैसफेमी कमिट की है, ठीक है, शिर्क कर दिया है, तो इकबाल को तो कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। और यही अशार जो है वो हर महफिल में हर जगह पे
जो है वो हर जगह जगह पे इनको जो है वो डिस्कस किया जाना शुरू कर दिया गया, ठीक है, और इकबाल को जो है वो इसके लिए बहुत बुरा भला कहा गया। द सेकंड पोएम, अच्छा द सेकंड पोएम जवाबे शिकवा वाज नॉट अनाउंस्ड विद द पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट बट इट वाज 4 years लेटर। तो वो जो फर्स्ट बुक सॉरी जो सेकंड बुक आई थी उनकी जवाबे शिकवा वो 4 साल के बाद आई थी। Then people understood what was Iqbal trying to say. तब लोगों को पता चला कि असल में इकबाल कहना क्या चाहते थे, उनकी बात का मतलब क्या था, ठीक है। तो जब उन्होंने दोनों चीजों को देखा, जवाब शिकवा को भी देखा, ठीक है, तो फिर उनके दिलों को जो है वो सुकून मिला कि हाँ इकबाल जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे, ठीक है। सो इसी शिकवा और जवाब शिकवा की वजह से इकबाल को पूरी दुनिया में और इस्लामिक लिटरेचर में उर्दू पोएट्री में बहुत बड़ा मुकाम जो है वो मिलता है, ठीक है। सो उनको तो कह लें कि मोमिन का लकब भी मिला, उनको कलंदर भी कहा जाता है, ठीक है, और कह लें कि बहुत ही ऊंचा मुकाम है इकबाल का। अच्छा बैकग्राउंड, अब इसकी बैकग्राउंड क्या थी, शिकवा और जवाब शिकवा की बैकग्राउंड क्या थी, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सो मुस्लिम वर्ल्ड कंसीडर्ड अ ग्रेट पावर इन द पास्ट, मुसलमान जो है वो बहुत अजीम ताकत रहे हैं। अगर हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके हम दौर देखें आज तक का दौर, सॉरी 1857 की 57 की जो जंग आजादी हुई थी उससे पहले पहले का दौर देखें, तो मुसलमान वो थे कि जिन्होंने हर चीज को फतह कर लिया था, बहुत ज्यादा विक्ट्रीज जो है वो मुसलमानों ने अपने नाम की, ठीक है, और मुसलमानों का ही हर तरफ बोलबाला था, मुसलमान ही हर जगह पे हुकूमत करते थे और बहुत ही अल्लाह ताला की जात ने इज्जतें अता की थी, ठीक है। और कह लें कि अच्छा दे हैड रूल्ड ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने आधी दुनिया से ज्यादा पर हुकूमत की थी। इकबाल मेंशनड ऑल द विक्ट्रीज अचीव्ड बाय मुस्लिम्स इन पास्ट, तो मुसलमानों की जो जितनी भी वो है ना मतलब विक्ट्रीज उन सब का इकबाल जो है वो जिक्र करते हैं शिकवा में। दे मेंशनड इंपॉर्टेंट इंसिडेंट वॉर्स ओटोमन एम्पायर द एज ऑफ सहाबा एंड द ऑल अदर इस्लामिक हीरोज इन हिज कंप्लेंट एंड सेड दे ऑल हैड परफॉर्म्ड ग्रेट ड्यूटीज टू सेव द डिग्निटी ऑफ इस्लाम एंड अल्लाह। तो उन्होंने कहा कि ये जितने भी मुसलमान थे इन्होंने इस्लाम को बचाने के लिए, अल्लाह की अजमत को बचाने के लिए, इस्लाम की अजमत को बचाने के लिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो एफर्ट्स की, ठीक है। ये शिकवा करते हुए नजर आते हैं हमें इकबाल शिकवा में। नो मुस्लिम्स आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, लेकिन आज के दौर में मुसलमान जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में है। 1857 की जंगे आजादी के बाद मुसलमानों का जवाल जो है वो शुरू हो गया था, ये फहाशी में पड़ गए थे, ईमान कमजोर हो गए थे, अल्लाह की जात पे यकीन नहीं था रहा, ठीक है। तो ये मुसलमानों का बेसिकली क्या था, जवाल का दौर जो है वो शुरू हो गया था, हर जगह पे रुसवा होना शुरू हो गए थे, ठीक है, गुलामी मुसलमानों का जो है वो कह लें कि मुकद्दर बनना शुरू हो गई, ठीक है, इनको गुलाम बना लिया गया और बहुत सी जो है वो बातें होना शुरू हो गई। तो इकबाल जो है वो उसी सिचुएशन पे लिमेंट करते हुए नजर आते हैं, ठीक है, मुसलमानों को जगाते हुए नजर आते हैं कि मुसलमानों तुम क्या थे और क्या बनते जा रहे हो, और इसी बात का शिकवा भी अल्लाह से कर रहे हैं कि अल्लाह अब मुश्किल घड़ी आई है, हमने तेरे लिए इतने अजीम अजीम काम किए, ठीक है, और अब हम पे मुश्किल घड़ी आई है तो तूने हमारा साथ ही छोड़ दिया है, ठीक है। No Muslims are in difficult situation and facing a lot of complications, but Allah is silent and there is no reply for helping Muslim. Allah ki zaat jo hai wo madad karne ke liye reply hi nahi kar rahi. No doubt Muslim performed a great duties. Achha ji. But after the war of 1857, Muslim had become the victim of decline. ठीक है, तो वही बात जो मैंने बार बार की है कि मुसलमानों का जवाल 1857 की जंगे आजादी के बाद जो है वो शुरू हो गया था, ठीक है, और ये रुसवा हो रहे थे दुनिया में, बिकॉज मुस्लिम हैड टर्न्ड अवे फ्रॉम द राइट पाथ, क्योंकि वो असल रास्ते से असल मकसद से भटक चुके थे, ठीक है। सो फिर जाहिर सी बात है जब इंसान असल रास्ते से भटक जाता है तो फिर रुसवा तो होता है। दे हैड लॉस्ट देयर फेथ एंड इंडल्ज इन लैविश एक्टिविटीज, लैविश एक्टिविटीज में, ठीक है, फहाशी में और इन सारी चीजों में मुसलमान जो है वो मुलविस हो चुके थे। इकबाल मेंशनड इट इन हिज सेकंड बुक जवाब शिकवा, ठीक है, तो जवाब शिकवा जो सेकंड बुक है उसमें इस चीज का वो जिक्र करते हुए हमें नजर आते हैं। सो अपेरेंटली
अपेरेंटली अब ये इसका असल जितनी भी बातें मैंने की अभी तक उनका कह लें कि ये निचोड़ है, ठीक है। अपेरेंटली ये बुक हमें क्या लगती है कि ये शिकवा किया जा रहा है, ठीक है। अब आप लोगों को भी जो है वो कह लें कि पहले लग रहा होगा कि हाँ वाकई इकबाल ने पता नहीं क्या यार ये अल्लाह से क्यों शिकवा कर रहे हैं ये, ठीक है। लेकिन अब असल बात आने लगी है जो हिडन मीनिंग है इस बुक का, ठीक है। इन दोनों बुक्स का जो हिडन मीनिंग है वो इन चंद लाइनों में जो है वो बयान किया गया है। तो अपेरेंटली दिस बुक शिकवा शोज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्लेन टू अल्लाह, ठीक है, इन विच इकबाल मेंशन द डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस ऑफ मुस्लिम्स एंड सेज दैट अल्लाह इज साइलेंट, ठीक है। तो अपेरेंटली तो हमें ये नजर आता है कि ये एक कंप्लेन है अल्लाह से, ठीक है, अल्लाह से शिकवा कर रहे हैं और मुसलमान आज जिन हालात में है, ठीक है, अल्लाह उस पर जो है वो बिल्कुल कह लें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर बिल्कुल खामोश बैठा है, ठीक है। मुसलमानों की तरफ कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा, रिप्लाई नहीं किया जा रहा, इनको हेल्प नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो अपेरेंटली तो ये नजर आ रहा है, लेकिन इसका इनर मीनिंग क्या है। इनरली इकबाल एड्रेसेस दोज मुस्लिम्स, असल में इकबाल उन मुसलमानों के साथ जो है वो एड्रेस कर रहे थे, उनके साथ मुहातिब थे जो ये सोचते थे हु थिंक दैट दे आर ग्रेट, कि वो आज भी ग्रेट हैं, ठीक है, एंड पावरफुल, और आज भी उतने ही ज्यादा पावरफुल है लाइक पास्ट, पास्ट की तरह। असल में इकबाल जो है वो उन मुसलमानों के साथ एड्रेस कर रहे हैं, उनको मुखातिब कर रहे हैं कि भाई ए मुसलमान तू भूल जा, तू खुशफहमी का शिकार ना रह, तू रिसवा हो चुका है पूरी दुनिया में, ठीक है, तूने अपने अल्लाह को छोड़ दिया, तूने इसके दीन को छोड़ दिया, तूने फेथ को छोड़ दिया, तूने स्पिरिचुअलिटी को छोड़ दिया, तूने अपने जो अबाओ अजदाद थे, ठीक है, तूने अपने नबियों की सुन्नत को छोड़ दिया, हर चीज को तो तुमने छोड़ दिया, और फिर सब कुछ छोड़ के कह रहा है कि फिर भी आज भी मैं जो है वो उतना ही ताकतवर हूँ, उतना ही मुझ में जज्बा है, और आज भी अगर चाहूँ तो आधी दुनिया से ज्यादा पर मैं हुकूमत कर सकता हूँ। तो इकबाल ने उनकी आंखें खोलने की कोशिश जो है वो एक कोशिश किया कि भाई ऐसा नहीं है, इस फहमी का शिकार ना रहो, ठीक है। सो अगर जो है वो तूने वही मुकाम दोबारा हासिल करना है तो फिर माजी की तरह बनो, ठीक है, तुम्हारी क्या शान शौकत थी, उस कैलिपर पे आओ, उस स्टैंडर्ड पे आओ, तो शायद अपना मुकाम जो है वो वापस हासिल कर सको। तो इकबाल यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं बेसिकली एक मुसलमान के साथ, ठीक है, और वो मुसलमान जो ये समझता है कि माजी की तरह आज भी वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और आज भी वो आधी दुनिया से ज्यादा हुकूमत कर सकता है। तो अब देखें इकबाल ने कितनी जो है वो गहराई में जाके इन सारी चीजों को बयान किया है, ठीक है। बजाहर अल्लाह से शिकवा है, लेकिन शिकवा वो कर किससे रहे हैं, आज के मुसलमान से कर रहे हैं, ठीक है, जो ये सोचता है कि माजी की तरह वो भी बहुत ज्यादा ग्रेट है, ठीक है। एंड दे कैन रूल ओवर द वर्ल्ड और दे विल बी एबल टू रूल ओवर द वर्ल्ड इन फ्यूचर, ठीक है, जो ये सोचते हैं कि आज भी हम हुकूमत जो है वो कर सकते हैं और माजी में भी फ्यूचर आने वाले वक्त में भी हम हुकूमत कर सकेंगे, ठीक है, या हुकूमत करेंगे। इकबाल says that they have become the victim of credulity. तो इकबाल कहते हैं कि वो खुशफहमी का शिकार हो चुके हैं, वो खुशफहमी में मुब्तिला है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, इनफैक्ट दे हैव डिसरिस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, मुसलमान पूरी दुनिया में रुसवा हो चुका है, ठीक है, जो इसके काम हो गए हैं, असल में मुसलमान अब पूरी दुनिया में जो है वो रुसवा हो चुका है। एक बहुत ही प्यारा इंडियन पोएट हैं, अल्लाह उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, वन ऑफ माय फेवरेट पोएट, तो बड़ी अच्छी उनकी लाइंस जो है वो बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि लाखों खुदाओं वाले या हजारों खुदाओं वाले एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। तो इस बात का मतलब क्या है कि आज हमें मुसलमानों में यूनिटी तो रही नहीं, ठीक है, हर जगह पे मुसलमान को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, कहीं पे इसको टेररिस्ट कहा जा रहा है, कहीं पे कुछ कहा जा रहा है, कहीं पे कुछ कहा जा रहा है, तो इनमें यूनिटी तो रही नहीं, आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो उस इकबाल ने इस चीज को हाईलाइट किया है कि भाई तूने यूनिटी तो रही नहीं, जो तुम्हारे जज्बात है वो तो स्किन के ऊपर ऊपर ही है, अंदर से जो खून है तुम्हारा वो तो भाई पतला हो चुका है, वो सफेद हो चुका है। तो अपनी एक नजम में भी इकबाल ऐसे जो है वो बात करते हुए नजर आते हैं हमें, वो रुबायात उनकी एक नजम है, ठीक है। सो इंग्लिश में भी उसको ट्रांसलेट किया गया है, हम फर्स्ट ईयर की पोएट्री में उसको पढ़ते भी हैं, तो वहां पे ये बात करते हुए नजर आते हैं कि मुसलमानों के पास तो काबा है, ठीक है, जहां पे वो सब इकट्ठे हो सकते हैं और एक जान हो सकते हैं, लेकिन मगरिब वालों के पास कौन सा काबा है, वो कहाँ पे इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है। इसी पे वो शायर भी लिखते हैं कि
हजारों खुदा हैं जिनके, वो एक जगह पे खड़े हैं, ठीक है, वो सब यूनाइटेड हैं, लेकिन जिनका एक ही खुदा है और जिनको यूनाइट होना चाहिए वो आज के दौर में यूनाइट ही नहीं है, वो सारे बिखरे हुए पड़े हैं, ठीक है। सो इकबाल भी कुछ इस अंदाज में हमें बात करते हुए नजर आते हैं कि भाई तू बिखर गया है, तू किसी हुशफहमी का शिकार ना रह। दे हैव डिसरिस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, द पर्पज ऑफ राइटिंग दीज पोएम्स आर टू अवेक सॉरी अवोक द डेड सोल्स ऑफ मुस्लिम। तो इस नज़म को लिखने का मकसद ये था कि जो मुसलमानों की जो रूहें और दिल मुर्दा हो चुके हैं, ठीक है, सो चुके हैं मुसलमान, रिसवा हो चुके हैं, उसको जगाया जाए, ठीक है, मुसलमानों को उनका माजी याद दिलाया जाए कि तुम कितने अजीम थे भाई, ठीक है, तुमने कौन कौन से काम किए, तुम कितने अजीम थे, ठीक है, तूने कितनी इज्जतें जो है वो समेटी, ठीक है, लेकिन आज के दौर में तो तू रुसवा हो गया है। एंड इकबाल वांटेड टू रिमाइंड द ग्रेट पास्ट ऑफ मुस्लिम्स एंसेस्टर्स टू मॉडर्न मुस्लिम। असल में इकबाल जो है वो हमारे ग्रेट जो एंसेस्टर्स थे, जो फोर फादर्स थे, उनका माजी दिखा के, ठीक है, उनको दिखा के आज के मुसलमान को जगाना चाहते हैं, उसे याद दिलाना चाहते हैं कि भाई ये देख तेरा माजी ये था और आज तू जो है वो किस तरह से रुसवा हो चुका है। सो माई डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये थी आज की जो है वो वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, ठीक है, इनशाला नेक्स्ट इसकी जो है वो हम इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ठीक है, उसको स्टडी करेंगे और उसके बारे में काफ़ी जो है वो इसके अशार को गहराई के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो आप वो भी वीडियोस ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आने वाला है इस पाकिस्तान लिटरेचर को पढ़ के। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आए, लंबी हो गई, थोड़ा सा मैं भी जज्बाती हो गया, माजरत चाहता हूँ, ठीक है, तो इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, ठीक है, अब इतना जो है वो एफर्ट की है मैंने, तो एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह हाफिज़।